1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी लागू हुआ, उससे पहले उसके बाद में केंद्र सरकार के मंत्री सारे अधिकारी यही कह रहे थे कि जीएसटी में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा। उसके बावजूद सर्वे छापे के नाम पर जीएसटी के अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार ईवे बिल के नाम पर गाड़ियों को रोक करके छोटे छोटे मामले में गाड़ी के कागजात होने के बावजूद गाड़ी रोक करके उनसे डबल टैक्स जमा कराया जा रहा है। ये व्यापारियों का उत्पीड़न जीएसटी के माध्यम से लगातार चरम पर है और साथ में इनकम टैक्स भी लगातार सर्वे छापे कर रहा है। व्यापारी किसी भी हालत में इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। ये कहा गया था कि सरलीकरण होगा, केंद्रीय ईवे बिल 1 अप्रैल से आ रहा है, बिना तैयारी के उसको वापस लिया जाए। मंडी शुल्क समाप्त करने की बात कही गई थी, केवल एक टैक्स जीएसटी रहेगा, मंडी शुल्क पूरे देश में लागू है, ये समाप्त होना चाहिए। और इस तरह बहुत सारी बातें हैं जिससे HSN कोड और बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जीएसटी को सरलीकरण किया जाए, 100% रिटेल में FDI जो आया है ये वापस लिया जाए। दिल्ली के व्यापारियों की जो सीलिंग की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं FDI का रोल है, विदेशी कंपनियों का रोल है, वो सीलिंग रोकी जाए, FDI को वापस किया जाए। सरकार जो कहती रही है वो उसको करे जब विपक्ष में थी। आज सरकार में आने के बाद लगातार व्यापारियों का शोषण हो रहा है। आज हम ये विभिन्न बाजारों के व्यापारी, टिम्बर, होजरी, लोहा, रिजवी रोड, सब जगह के व्यापारी यहाँ बैठ करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, नगाड़ा बजाकर सरकार जो सोई है उनके कान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जीएसटी को पेट्रोल डालने में क्यों नहीं लाया जा रहा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसटी को पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अभी लगभग 60 से 70% तक टैक्स लग रहा है केंद्र का और प्रदेश सरकार का। अगर जीएसटी 28% भी पेट्रोल डीजल में हो जाए तो हिंदुस्तान की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लगभग 40% कीमत कम हो जाएगी। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। लगातार सरकार जो कह रही है उसको करे। हम व्यापारी सड़क पर आ गए, ये लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा।